हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड कैम्बर इन रोड्स पेमेंट एंड चेक एंड कैलकुलेट। ठीक है, रोड की जो कैम्बर होती है वो कैम्बर क्या होती है, कैसे इसको चेक करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले भी इस पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन अभी भी कुछ हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के कमेंट आते हैं, उनको कुछ कन्फ्यूजन अभी भी जो रह गई हैं वो सारी कन्फ्यूजन और फिर से हम इस टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस वीडियो को काफ़ी डिटेल मैंने बनाया है, जिससे मैं ट्राई करूँगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन कैम्बर के बारे में ना रहे। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल हाईवे इंजीनियरिंग, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज वीडियो, जिसका टॉपिक है कैम्बर इन रोड्स पेमेंट एंड चेक एंड कैलकुलेशन। व्हाट इज कैम्बर? कैम्बर और कैंट इज द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू राइज मिडिल ऑफ द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर आर, जो कैम्बर होता है या जिसे आप कैंट बोलते हैं, कैम्बर और कैंट एक क्रॉस स्लोप है जो कि आपकी रोड के टॉप पर प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, हमारा जो रोड का मिडिल पॉइंट होता है या सेंटर पॉइंट होता है उसको थोड़ा सा हम राइज कर देते हैं या थोड़ा सा उठा देते हैं, और ये जो राइज होता है वो हमारे जो एज होती है रोड की उसके अगेंस्ट राइज किया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो पेमेंट पर बारिश का पानी आता है, कोई भी वाटर आता है, वो पानी स्लोप के कारण ड्रेन ऑफ हो जाता है। देख कैसे होता है समझिए, ये हमारे रोड के एजेस हैं। तो रोड हमारी कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है, ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे रोड की पेमेंट होती है। ये हमारे रोड के दो एजेस होगा, एक कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर वन कॉर्नर टू, और ये पॉइंट हो गया हमारे रोड का सेंटर। तो आप देख रहे हैं जो हमारे रोड का सेंटर होता है वो हमारे एजेस की तुलना में थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है यहाँ पर, तो बारिश का पानी जो स्लोप के कारण हमारा नीचे की ओर ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। तो यही ड्रेन आउट करने के लिए हमारा कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे और क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर आर सरफेस प्रोटेक्शन स्पेशली फॉर ग्रेवल एंड बिटुमिनस रोड, सबग्रेड प्रोटेक्शन बाय प्रॉपर ड्रेनेज, क्विक ड्राइंग ऑफ पेमेंट विच इन टर्न इंक्रीजेस सेफ्टी। देखो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैम्बर को जनरली प्रोवाइड करते हैं, सबसे मेन पर्पज़ है जो उस पर सर्फेस और वाटर आता है उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारी ग्रेवल रोड होती हैं, बिटुमिनस रोड होती हैं, वो प्रोटेक्ट होती हैं। अगर हमारी बिटुमिनस रोड पर पानी का कम्युलेशन हो जाता है या पानी उस पर बहुत देर तक भरा रहता है, तो जो बिटुमिनस सर्फेस है वो बहुत जल्दी डैमेज होती है, क्योंकि पानी के कम्युलेशन या पानी के लॉगिंग के कारण जो बिटुमिनस सरफेस है उसकी जो एग्रीगेट है वो स्ट्रिप हो जाती है, उस पर जो बिटुमिनस लेयर है वो स्ट्रिप हो जाती है, जिससे बिटुमिनस सरफेस हमारी बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। इसी प्रकार से ग्रेवल रोड है, अगर उसमें पानी भरा होगा तो ग्रेवल जो हमारा है वो ग्रेवल हमारा क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, उसमें पंचिंग होने लग जाएगी। सबग्रेड प्रोटेक्शन बाय प्रॉपर ड्रेनेज, इसी पे खाली सबग्रेड अगर आपकी है, सबग्रेड में कैम्बर होने के कारण जो उसके पानी है वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा, और उसमें जो कटाव होता है या आपके जो उसकी सबग्रेड की कई बार क्या होता है, जो सबग्रेड में पानी भरे रहने के कारण आपकी जो लैंडस्लाइड हो जाती है या आपकी जो एजेस हो जाती है वो कट जाती हैं, तो आपकी सबग्रेड ही प्रोटेक्ट रहती है। और क्विक ड्राइंग ऑफ पेमेंट विच इन टर्न इंक्रीज सेफ्टी, क्या होता अगर आपकी जो सरफेस है रोड की उस पर पानी भरा हुआ रहे तो क्या होगा, जब ट्रैफिक मूवमेंट करेगा तो उसमें जब ब्रेक आप लगाएंगे तो ब्रेक लगाने पर आपकी जो ट्रैफिक है या व्हीकल्स है वो स्किट होने लगेगा, वो फिसलने लगेगा। तो इसीलिए कैम्बर देने के लिए कारण क्या होगा, जो पानी है वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा, जिससे हमारी रोड जल्दी ड्राई हो जाएगी और हमारा जो व्हीकल्स का मूवमेंट है वो प्रॉपर हो पाएगा। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स के बारे में। द कॉमन टाइप्स ऑफ कैम्बर आर पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, यानी जो कैम्बर के तीन प्रकार हैं, पैराबोलिक कैम्बर है, स्ट्रेट कैम्बर है, और या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कैसे हो सकता है वो हम बता देते हैं।
जो इमेज नंबर ए देख रहे हैं फ्रेंड, ये है हमारी पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर में क्या होगा, जो हमारा कैम्बर का जो माप कीजिए रोड की जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो इस प्रकार से एक पैराबोला शेप में बनी हुई होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पैराबोला कैम्बर। अब स्ट्रेट लाइन कैम्बर में क्या होता है, जो हमारा सेंटर पॉइंट से जो एजेस होती हैं ठीक है वो एक स्ट्रेट लाइन में मिली हुई होती हैं, ठीक है इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में मर्ज की हुई होती हैं। फिर थर्ड होता है हमारा कंबाइंड कैम्बर, या जिसको आप बोलते हैं कंबाइंड कैम्बर और कॉम्बिनेशन ऑफ पैराबोला एंड स्ट्रेट। इसमें जो हमारे रोड का हाफ मोस्ट सरफेस होता है यानी सेंटर से दोनों तरफ हाफ हाफ, वो हमारा पैराबोला शेप में होता है, और जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन होता है ठीक है वो हमारा होता है स्ट्रेट, तो इसलिए आप इसको बोलते हैं कॉम्बाइंड कैम्बर। अब हम आगे बात करते हैं चेकिंग करने की। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये कोई हमने रोड का कंस्ट्रक्शन किया है, अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसमें आपको कैम्बर का चेकिंग करना है, कैम्बर के मेजरमेंट लेना है। जनरली क्या होता है, जब आप इसमें लेइंग करेंगे पेवर से लेइंग करेंगे इस सरफेस का, तो उसी में आपको कैम्बर की फिक्सिंग कर देना है। उसके बाद आप कैम्बर की फिक्सिंग कर लेंगे, रोलिंग कर लेंगे, फिर आपको एक बार चेक लगाना है कैम्बर का, जो आपका कैम्बर है सरफेस का वो सरफेस का कैम्बर आपका जो एडिक्वेट प्रोविज़न है आपकी कैम्बर की वो है या नहीं, वो आप कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है फ्रेंड। हम चाहे तो स्ट्रेट एज से चेक कर सकते हैं या फिर आपके जो आटो लेवल मशीन होती है उससे भी चेक कर सकते हैं। चलिए जैसे ये रोड की सरफेस है इसमें कैसे चेक करना है कैम्बर वो हम समझते हैं, ठीक है। मतलब इस इमेज में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं स्ट्रेट एज से ठीक है, जो हमारी स्ट्रेट एज ये एक 3 मीटर या जो भी आपके रिक्वायर्ड लेंथ हो डिस्टेंस या चौड़ाई हो, उस हिसाब से आप स्ट्रेट एज को कलेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें हमें करना क्या है फ्रेंड, ये हमारी स्ट्रेट एज है, स्ट्रेट एज को जो आपकी रोड की सेंटर है, ये हमारे रोड की सेंटर लाइन है ठीक है। आपको जो मेजरमेंट लेना होंगे वो इस साइड भी लेना होंगे और इस साइड भी लेना होगा, फिर उनकी एवरेज वैल्यू आपको लेनी है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रेट एज को आप आपकी पेमेंट पर इस प्रकार से लाई कर देंगे ठीक है, इस प्रकार से सेंटर से ठीक है, सेंटर से एक पॉइंट रखेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, किससे, बबल स्प्रिट लेवल की हेल्प से इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। फिर इससे क्या होगा, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगी ठीक है, ये हमारी गैप क्रिएट हो गई ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये गैप क्रिएट हो गई। तो इस गैप को आपको मेजर करना है कि ये जो गैप बन रही है वो कितनी मोटाई में, कितनी आपकी हाइट में गैप बन रही है, और ये जो गैप रहेगी इसको आप डिनोट कर देंगे एन से ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिएगा एन, ये हमारी वैल्यू ऑफ एन हो जाएगी ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो रोड की टोटल विड्थ है वो चेक कर लेना है, और जो आपकी पेमेंट की जो कैरिज वे की हाफ विड्थ है वो भी चेक कर लेना है। ये मेजरमेंट आपको लगेंगे, जो कैरिज वे की हाफ विड्थ है इसको आप डब्ल्यू ले लीजिए, और कैरिज वे की फुल विड्थ है इसको आप कैपिटल डब्ल्यू से भी दिखा सकते हैं ठीक है। तो ये आपको 3 मेजरमेंट नोट करने हैं, फिर इसे कैलकुलेशन कैसे करना है हम आगे समझते हैं। ओके फ्रेंड, कैलकुलेशन पे आते हैं हम, सबसे पहले करते हैं स्ट्रेट एज से कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लेन विड्थ, चाहे तो आप अगर आपकी मल्टी लेन रोड है तो आप पर्टिकुलर लेन का कैम्बर चेक कर सकते हैं, या आपकी सिंगल लेन रोड है तो वहाँ पे आप क्या कीजिए लेन की विड्थ ले लीजिए, लेन विड्थ ऑब्लिक हाफ विड्थ ठीक है, या तो लेन की विड्थ ले लीजिए, पर्टिकुलर लेन की विड्थ ले सकते हैं, या आपकी जो कैरिज वे है ठीक है, ये जो कैरिज वे है उसकी हाफ विड्थ आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हाफ विड्थ मान ली हमारी 1.90 ठीक है। अब वैल्यू ऑफ एन यानी जो हमारा जो गैप बन रही थी स्लोप की, वो गैप हमने मान ली हमारी 5 सेंटीमीटर और 0.05 मीटर हमारी आई है ठीक है। तो इसको आप इसी दोनों तरफ नाप लेंगे, फिर उसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे, तो वो हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर। तो कैम्बर का कैलकुलेशन करने के लिए क्या कीजिए आप,
0.05 डिवाइडेड बाई 1.90 जो आपकी हाफ विड्थ है रोड की उससे डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई 100 से, तो आपकी जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2.63%, यानी यही जो वैल्यू है ये आपकी कहलाएगी कैम्बर परसेंटेज। अब हम डिस्कस करते हैं आटो लेवल से, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आटो लेवल से भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी रोड है ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये आपकी राइट साइड ले लीजिए, ये आपकी लेफ्ट साइड ले लीजिए ठीक है। तो यहाँ का आर एल और यहाँ का आर एल, ये आर एल आपको चाहिए होंगे। तो लेवल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट कर लिया, लेवल ऑफ सेंटर कर लिया, लेवल ऑफ राइट हैंड साइड कर लिया ठीक है। अब एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ साइड, यानी कि जो आर एच एस है और एल एच एस है, इसकी एवरेज वैल्यू हमारी आई है 97.575 मीटर, और हमारा जो सेंटर का आर एल है वो आया है 97.620। तो डिफरेंट ऑफ लेवल हो जाएगा हमारा, यानी सेंटर में से एज का लेवल घटा दें क्योंकि सेंटर का लेवल हाई है, तो 97.620 माइनस 97.575, तो हमारा जो डिफरेंट इन लेवल आया है वो आया है 0.045 मीटर। अब कैम्बर कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, 0.045 डिवाइडेड बाय जो आपकी लैंड विड्थ है या हाफ ऑफ कैरिज वे है 1.90 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा जो कैम्बर आ जाएगा वो हो जाएगा 2.37। तो इस प्रकार से आप कैम्बर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फ्रंट बात आती है कि आपको IRC क्या रिकमेंड करता है कि आपको कितना कैम्बर आपको चाहिए ठीक है। तो IRC मैं नंबर इसमें लिखना भूल गया हूँ, बता देता हूँ, IRC 73/2018 के अकॉर्डिंग सरफेस और रेनफॉल पे हमारा डिपेंड करता है कैम्बर का, कितना कैम्बर हमें प्रोवाइड कराना है। तो अगर हमारी हैवी रेन है ठीक है, तो एज पर IRC 73/2018 के अकॉर्डिंग कंक्रीट और बिटुमिनस रोड के लिए, कंक्रीट के लिए जो हैवी रेन एरिया है 2.0% कैम्बर और बिटुमिनस रोड के लिए 2.5% कैम्बर, और लाइट रेन है तो 1.7%। इसी प्रकार से ग्रेवल रोड, मान लीजिए आप बेस कोर्स रोड बना रहे हैं, WBM रोड बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 3% हैवी रेन में और 2.5% लाइट रेन में। अगर आपकी रोड अर्दन रोड है या मुरम मिट्टी वाली रोड है तो वहाँ पर आपको हैवी रेन एरिया में 4% कैम्बर और लाइट रेन एरिया में 3.0% कैम्बर प्रोवाइड कराना है। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट कीजिए, बताइए कैसी वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट है फिर से मैं ये वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ कन्फ्यूजन अभी भी रहेगा यूँ तो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और हमें टेलीग्राम चैनल हाईवे इंजीनियरिंग पर भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो की लिंक और चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।